दुनिया के 5 सबसे खतरनाक टूरिस्ट अट्रैक्शन। नंबर 5, दोस्तों खतरनाक जगहों पर घूमने वाले लोगों ने ज्वालामुखी तक को भी नहीं छोड़ा। जी हाँ, कुछ लोगों ने एक्टिव ज्वालामुखी के ऊपर से एक बोर्ड पर बैठकर नीचे फिसलने को अब एक स्पोर्ट बना लिया है, जिसे वोल्केनो बोर्डिंग कहा जाता है। दुनिया के कुछ हिस्सों में ये लोग सिर्फ बेहद पुराने और एक्टिव ज्वालामुखी पर चढ़ाई करके इस तरह फिसलने का आनंद उठाते हैं। आपको जानकर हैरत होगी कि नीचे आते हुए इनकी रफ्तार 85 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाती है। इस स्पोर्ट में आज तक किसी को ज्यादा चोट तो नहीं आई, लेकिन आप बखूबी समझ सकते हैं कि यहाँ राइडर के मुंह में धूल मिट्टी जाना तो स्वाभाविक सी बात है। नंबर 4, दोस्तों ऐसा लगता है कि चाइना वालों को अनोखे पुल बनाने का शौक चढ़ा है। आपने चाइना के उस कांच वाले पुल के बारे में तो जरूर सुना होगा, जिस पे चलते हुए हर किसी की फटती है। पर आज हम आपके लिए उससे भी ज्यादा डरावना पुल ढूंढ कर लाए हैं। चाइना का ये पुल 200 मीटर की ऊंचाई पर बना है, जिस पर चलकर लोग अपने आप को खतरों के खिलाड़ी साबित करते हैं। यूं तो यहाँ चलने वाले सभी व्यक्ति सेफ्टी बेल्ट से बंधे होते हैं, लेकिन यकीन मानिए, वीडियो में आप जितना देख पा रहे हैं, इस पुल पर चलना उससे कहीं ज्यादा डरावना अनुभव होता है। वैसे हमारी तो ये राय है कि इस पुल पर वॉक करने से पहले आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस जरूर करवा लेना चाहिए, और अगर पहले से करवा रखा है तो जान लीजिए कि यहाँ से आपका जूता नीचे गिरने पर लाइफ इंश्योरेंस उसे कवर नहीं करेगा। नंबर 3, अगर आपने कभी उड़ने का सपना देखा है तो चले आइए यूके के इस जिप वर्ल्ड वेलोसिटी में, जहां आप सुपरमैन की तरह उड़ने का आनंद ले सकते हैं। दरअसल यहां